अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। किस बारे में बताना है सर? नाम बताएं, नाम पूछा भाई। मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, आपसे यही सवाल है कि पीटीआई की हुकूमत ने काफ़ी सारे वादे किए थे कि पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, आम आदमी को जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी, बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी, इस तरह के बहुत सारे वादे। हुकूमत के उन वादों को आप किस नज़र से देखते हैं कि अब तक हुकूमत अपनी कारकर्दगी में वो वादों के पे जो उन्होंने कहे थे कामयाब हुई है या नहीं हुई, क्या कहें? सर, हुकूमत तो टोटली नाकाम हो चुकी है। इसने हर गरीब आदमी को, आप अगे देख लें, अब 250 रुपए किलो हो गया डाल्टा की, हर कीमतों में इजाफा हुआ है। कहीं पे चीनी देख लें, पहले हम आटे को बाहर बेचते हैं फिर आटे को मंगवा रहे हैं, तो हमारा मुल्क का नुकसान है, हमारी मीशत बहुत डाउन हो रही है। हम कश्मीर से हम हाथ धो बैठे हैं, कश्मीर पर टोटली कब्ज़ा हो चुका है। हर लिहाज से हम यानी कि पीछे रह चुके हैं, मुआशी तौर पर भी और हर लिहाज से। कोई शोबा है नहीं जिसमें कोई तरक्की की हो हमने, क्रिकेट देख लें, हर शोबे में नाकाम है हम। आप क्या करते क्या हैं? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। पहले हमें मिलते थे स्कॉलरशिप मिलते थे, अब स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहे। पहले लैपटॉप मिलते थे, वो भी नहीं मिल रहे। अब हम रिसर्च करते थे, वो भी अब हमें नहीं दी जा रही। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, क्या पढ़ रहे हैं? बी एस मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। बी एस मैथमेटिक्स। तो कंप्यूटर आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर, पहले मिलते थे लैपटॉप, अब नहीं मिल रहे। मेरी क्लास के तकरीबन 30 बॉय हैं, पहले वो सब पीटीआई को सपोर्ट करते थे, अब सब उनको गालियां देते हैं, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, क्योंकि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, कोई भी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं दिया। सही है जी। तो कश्मीर के लिए तो खान साहब बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो क्या कश्मीर को गंवा दिया, क्या कहना चाह रहे हैं? कश्मीर के बारे में सर आप खुद देख लें कि कभी हम जितना मर्जी यहाँ पर कर लें एहतजाज, इससे कोई फ़र्क उनको कुछ नहीं पड़ने वाला। हमारी जो असल में जो खारजा पॉलिसी है वो कमज़ोर है, अगर वो मजबूत होती तो कैसे चला जाता। पहले मौलाना फजल रहमान थे, तो बेशक जो भी था चेयरमैन रहे, उनके दौर में कभी भी 370 नहीं हटाया गया, तो उनकी कामयाबी थी तो नहीं हटा। अब हमारी नाकाम है तो उस वजह से वो हटाया गया, इस वजह है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत के बारे में, कोई अच्छा काम हुकूमत ने किया हो? अभी हुकूमत ने जब इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने लोगों में थोड़ी सी शऊर, थोड़ा सा सियासी शऊर देना चाहा था, पर अब वो बिल्कुल नाकाम है। अब बिल्कुल कोई अच्छा काम नहीं किया मेरे ख्याल में जब से आए हैं। अच्छा जी जी, ये स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, और इनका कहना है कि हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया अब तक। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।